के MY अस्पताल पर आज हड़ताली डॉक्टर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान जब हमारे संवाददाता ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एक बार फिर डॉक्टर और सरकार आमने सामने, डॉक्टर परेशान है, मरीज हैरान है, स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ाती हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि किसी बाहरी व्यक्ति को यदि एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है तो निश्चित रूप से समस्या होगी। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की समस्या हर शहर में लगभग देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं इंदौर के MY हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, तमाम डॉक्टर्स यहाँ मौजूद है, पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। समस्या क्या है, ये गैप क्यों हो रहा है, उस गैप का ब्रिज कैसे बनेगा? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आप ही से समझना चाहूँगा कि ये जो असमंजस की स्थिति बन गई है कि आज डॉक्टर्स को फिर सड़क पर आना पड़ा। सर, मैं बहुत सुस्पष्ट अक्षर में बता देना चाहता हूँ कि असमंजस की स्थिति कुछ नहीं है। हमें डाइवर्ट करना है किसी को तो हम एक नया मुद्दा उखाड़ देते हैं। मान लो कोई बच्चे घर में भूखे हैं और खाना मांग रहे हैं तो हम क्या करें कि आग लगा दें बगल में, अरे आग बुझाओ, खाना तो भूल जाएंगे सब। हुआ क्या है, इन हमारे अस्पतालों में बेसिक जाँचें, सीरम क्रिएटिनिन की जांच हो, चाहे वो LFT की जांच हो, किडनी फंक्शन की टेस्ट हो, कई सालों से अवेलेबल नहीं है। हम आयुष्मान योजना में ये कहते हैं कि सब जांचें यही होंगी और एक पैसा नहीं लगेगा। इमरजेंसी में कोई आया, इमरजेंसी में आया, उसको ऑपरेशन करना है एक घंटे में, इमरजेंसी का अर्थ होता है कि 45 मिनट्स में आपको OT में लेना है तो मर जाएगा। तो उस समय क्या करते हैं हमारे डॉक्टर, या तो अपने पैसे जाके जाँच कराते हैं प्राइवेट में। HIV किट अवेलेबल नहीं है, सरकार डीन कहते हैं सरकार पैसा नहीं दे रही है, तो हम ये डिमांड कर रहे हैं उनको। तो ये डिमांड मानने के बजाय उनको पता है इतना सारा लैकुना हो गया है, गड्ढा हो गया है, उसको ना करके उन्होंने एक नई चीज, एक शगुफा छोड़ दिया है। मैम, किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़? देखिए, ये जो मुद्दा उठा है ये अनुचित है, क्योंकि अगर सरकार चाहती है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में उनको सुधार लाना है तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वही MHA करे हुए हैं, जो मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनकी मदद ले सकते हैं, उसमें डिप्टी कलेक्टर को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरेज क्या है किसी सरकारी अधिकारी से? गुरेज इसलिए है कि जो सरकारी अधिकारी आता है वो 10 विभागों में जाता है, उसको यहाँ की गंभीरता हमारे विभाग की और जो पेशेंट से संबंधित जो केयर है, जो सामान की आपूर्ति है, जो इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, जो मेडिसिन की ज़रूरत है, वो उसमें डिप्टी कलेक्टर को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरेज क्या है किसी सरकारी अधिकारी से? गुरेज इसलिए है कि जो सरकारी अधिकारी आता है वो 10 विभागों में जाता है, उसको यहाँ की गंभीरता हमारे विभाग की और जो पेशेंट से संबंधित जो केयर है, जो सामान की आपूर्ति है, जो इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, जो मेडिसिन की ज़रूरत है, वो इतने अच्छे से समझ में नहीं आती है हमारे यहाँ। समझ नहीं होगी, इसके कारण आपको लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ा जाएंगी? हमारे यहाँ पे जो ऑलरेडी जो हमारे 20, 25, 30 साल से जो यहाँ पे पढ़े हुए हैं, वो यहीं पे नौकरी कर रहे हैं, जो समझते हैं सिस्टम को, वो अगर हेड कर रहे हैं तो उसमें सरकार को प्रॉब्लम क्या है?